सुप्रीम कोर्ट में दो नए जजों का शपथ ग्रहण हुआ है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और एडवोकेट केवी विश्वनाथन को शपथ दिलवाई है। इसके साथ ही एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों का कोरम पूरा हो गया है। अगस्त 2030 में केवी विश्वनाथन ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। विश्वनाथन 24 मई 2031 तक यानी कि 9 महीने से ज्यादा देश की टॉप कोर्ट का नेतृत्व करेंगे। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे देश के शीर्ष पहलवानों को राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का साथ मिल गया है। सचिन पायलट अपनी जन संघर्ष यात्रा खत्म कर 19 मई 2023 को पहलवानों से मिलने जंतर मंतर पहुंचे। इससे पहले 18 मई 2023 को रणदीप सुरजेवाला भी जंतर मंतर पर पहुंचे थे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में असंतुष्ट नेताओं की बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरेंद्र जी सिंह बब्बू ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन संगठन से बातचीत के बाद उनके सुर बदल गए और यूटर्न मारते हुए बब्बू ने कहा है कि मैंने अपनी हत्या किए जाने की आशंका के आरोप गुस्से में लगाए थे। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और माफी चाहता हूं। मिशन 2023 के लिए कांग्रेस तैयार नजर आ रही है, जहां सावर विधानसभा में क्षेत्र से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर नारी सम्मान योजना को घर घर तक पहुंचाने का कार्य शुरू हो गया है। वहीं इस योजना में यह प्रावधान किया गया है कि कांग्रेस की सरकार आने पर हर महिला को 1500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी, साथ ही महिलाओं को 500 रुपये की कीमत में गैस सिलेंडर भी उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के परसवाड़ा में बिना किसी विघ्न बाधा के बागेश्वर धाम की पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा हो सकेगी। आयोजन की अनुमति को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष दिनेश कुमार ध्रुवे के अनुसार जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें पैसा एक्ट का हवाला देते हुए आदिवासियों का हित प्रभावित होने की बात इसमें बताई गई। देश में उच्च शिक्षा से संबंधित सभी 1304 से अधिक शासकीय और निजी महाविद्यालयों में अकादमिक सत्र 2023-24 के लिए 25 मई से प्रवेश प्रारंभ होंगे। प्रवेश प्रक्रिया में एक मुख्य चरण और 3 CLC राउंड होंगे। प्रवेश प्रक्रिया eprawesh.mponline.government.in के माध्यम से पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि विद्यार्थियों को अपने दस्तावेज के साथ सत्यापन के लिए महाविद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। इंदौर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गांव लोटसवेली गुलावट को आदर्श गांव बनाने की शुरुआत कर दी गई। उल्लेखनीय है कि इस गांव को सांसद शंकर ललवानी के आदर्श गांव के रूप में चयनित, विकास की शुरुआत की गई है। लोटसवेली गुलावट को देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों में शामिल करने के प्रयास भी किए जाएंगे। इसके साथ ही मास्टर प्लान बनाने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने सनराइजर्स हैदराबाद को IPL के मैच में हरा दिया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीत के हीरो विराट कोहली रहे हैं और विराट कोहली ने 63 गेंदों पर 100 रन बनाए हैं। उन्होंने अपनी पारी में 12 चौके 4 छक्के जड़े हैं। वही जीत के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा हुआ है। कांस फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय बच्चन का यह 21वां साल है। इस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट के लिए वो नई नहीं, मजेदार बात यह है कि गुरुवार को कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 के रेड कार्पेट पर फ्रांस के एक फोटोग्राफर ने उर्वशी रौतेला को गलती से ऐश्वर्या समझ लिया। वहीं ऐश ने अपने लुक से सबको हैरान करके रख दिया है। दरअसल ऐश्वर्या के गाँव में जो हुडी नजर आई है उसको लेकर लोग तरह तरह के कमेंट करते नजर आ रहे हैं। तमाम विवादों से घिरी द केरला स्टोरी मूवी का पश्चिम बंगाल में रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म पर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए बैन को हटा दिया है, यानी कि अभी फिल्म पश्चिम बंगाल में भी रिलीज हो सकेगी और दर्शक इसे देख सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी पर लगाए गए बैन के खिलाफ दायर या बैंकर्स की याचिका पर सुनवाई हुई थी।